प्रताप सिंह आजाद, आप देख रहे हैं जनवा टाइम, सच के साथ एक कदम। आज आगरा जिला कार्यकारिणी कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती मनोज दीक्षित द्वारा राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी के निर्देश अनुपालन में नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में 11 दिसंबर 2019 को दोपहर 1 बजे गांधी प्रतिमा रावली चौराहे कलेक्टर पर उपस्थित होने की अपील की गई। आप देख रहे हैं संवाददाता प्रताप सिंह आजाद के साथ कैमरामैन आसिफ हुसैन की रिपोर्ट। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार इसका पुरजोर विरोध करती है और मांग करते हैं इस सरकार से कि ये सरकार अपनी ओछी मानसिकता खत्म कर दे, धर्म के नाम पर इस देश को न लूटे, क्योंकि यहाँ वैसे ही ये हमारे देश के नौजवान, गरीब, किसान सभी परेशान हैं। इनके लिए आपको रोटी की मुहैया कराने के लिए इंतजाम नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहा है। और ये जो हमारा देश है, आज सोने की चिड़िया कहलाता था, आज आप देख रहे हैं हत्या है, बलात्कार जो हो रहे हैं। और क्या कमी नजर आ रही है आपको बिल में जिसके लिए आप विरोध कर रहे हैं? जी देख, इसमें कमी ही कमी है। सबसे पहली कमी है कि ये अमित शाह और मोदी जी धर्म के नाम पर क्यों इस देश को बांटना चाहते हैं? कहाँ से बोला, पहले जो हम लोग इस देश में रह रहे हैं, जो नागरिक हैं, उनकी ही खुशहाली की बात करें। आप इन मुद्दों को दबाने के लिए जो आए दिन यहाँ बेरोजगारी, आज आप देख रहे हैं महंगाई कितनी बढ़ रही है। आज गरीब बेचारा जो कहाँ से प्याज खाए, प्याज के दाम आप 250 किलो देख रहे हैं, 250 रुपये किलो उनकी कीमत हो गई है। कहाँ से गरीब इस प्याज को खाएगा? जो सोने के भाव हैं वो प्याज के भाव कर दिए हैं। और उसके बाद इनकी ओछी मानसिकता, इनके व्यवहार, अमित शाह जी का आपने कल देखा होगा, लोकसभा में जब बिल पारित हुआ तो इनकी भाषा, किस तरह की भाषा का प्रयोग ये कर रहे हैं, धुतकार रहे हैं। अरे ऐसे तो इस देश को, जैसे देश 47 में जब देश आज़ाद हुआ, उससे पहले जो स्थिति थी, हिटलर शाही, ब्रिटिश शाही, उस तरह की ओछी मानसिकता ये परिचय दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इनके मंसूबे को कभी पूरा नहीं होने देगी। सरकार के खिलाफ बोलने के लिए बहुत इतना है कि सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन इनके मुद्दे खत्म नहीं होंगे, क्योंकि इस देश में इस समय जो बेरोजगारी है, जो महंगाई बढ़ रही है, जो क्राइम बढ़ रहा है, जो देश जो है, देश का रुपया दिन पर दिन गिरता जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में हम बहुत पीछे हैं, हमारी RBI, हमारी चुनाव आयोग ऐसी संस्थाओं पे शिकंजा कसा जा रहा है, उन सबसे ध्यान बांटने के लिए नागरिकता संशोधन बिल लाने के लिए लाया गया है, जिससे सारी समस्याओं से लोगों का ध्यान हट जाए और लोग इसके बारे में सोचने लगे। जबकि देखिए, ये एक अन्याय है। इस देश में जो लोग सालों से रह रहे हैं और जो लोग देश की भावना से जुड़े हुए हैं, लोकतंत्र में संविधान ने उन्हें ये अधिकार दिया है, उनसे ये अधिकार छीनने का काम किया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया था, उनमें इस देश में रहने वाले लोगों को, जब देश का बंटवारा हुआ था, ये तय हुआ था जो भी हमारे यहाँ शरण मांगेगा हम उसे शरण देंगे। और जब लोगों से इस नागरिकता बिल के बारे में पहले जब पूछा गया था, तो उन्होंने, कांग्रेस सरकार ने ये कहा था कि आप वोट से ये अधिकार लें, जो व्यक्ति पाकिस्तान जाना चाहता है वो पाकिस्तान को वोट डाले, जो इंडिया में रहना चाहता है वो इंडिया में वोट डाले। वोट के बंटवारे से जो लोग हिंदुस्तान में रह गए, आज हिंदुस्तान की जल जंगल जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, भाईचारा बना हुआ है, उसके खिलाफ सरकार जो है ऐसी नीतियाँ ला के, ये नीतियाँ केवल बीच बीच में ऐसे लाई जाती हैं, महंगाई बढ़ रही हो, बेरोजगारी बढ़ रही हो, तब ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये ऐसी चीज़ें ये भाजपा सरकार लाती है। जैसे आप देख रहे हैं JNU में कितने दिन से संघर्ष चल रहा है, फीस वृद्धि की जा रही है, छात्रों पर फीस वृद्धि की जा रही है, तमाम रुपया बहाया जा रहा है बेमतलब की चीज़ पे, प्रचार पे, मोदी जी के प्रचार पे आज गाय, बैल, सांड जगह जगह लोगों की जान ले रहे हैं, उस पर पैसे का कोई इंतजाम नहीं किया। बंदर लोगों की जान ले रहे हैं, ना बंदरशाला बनाई जा रही, ना गौशाला। ये सरकार अपने मुद्दों से भटकाने के लिए, जनता के मुद्दों से भटकाने के लिए NRC ला रही है। ये शिक्षा हम कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करेगी, सदन से लेकर, सड़क से लेकर सदन तक करेगी। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।